मान लिया हमने भ्रम से नारायण को नहीं पहचाना, मान लिया अपने चित्त के मोह में एक स्त्री का हरण कर लिया, मान लिया अपने गौरव और अहंकार में हमने किसी का परामर्श नहीं सुना, इन सब बातों की चर्चा करने से इतिहास पीछे नहीं मुड़ जाएगा। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करता, इस समय इस क्षण क्या करना है उसका ही निश्चय आवश्यक हो जाता है। तुम हमें शास्त्र सुना रहे थे, अरे शास्त्र में तो यह भी लिखा है कि यदि भाई ने कोई पाप भी किया हो, वह अपराधी भी हो, तब उस संकट में जो उसका साथ दे वही भाई कहलाने योग्य होता है। अपराधी को तो शिक्षा सभी दे सकते हैं, परंतु भाई वही है जो संकट में साथ खड़ा रहे, सहायता करे, शिक्षा न दे। जाओ, जाकर सो जाओ। रावण को अपनी आन निभाना और शान के साथ जीना और मरना दोनों आते हैं। जब भी कोई अपूर्व शक्ति प्राप्त कर लेता है तो तुम्हारी माया ही उसे शक्ति के मद में पागल बना देती है। शक्ति का मद तो तुम्हारे देवता भी सहन नहीं कर सकते, उन्हें भी अहंकार आ जाता है। यही अवस्था मेरी है। शक्तियां पाई, उनसे अहंकार हुआ और उस अहंकार और शक्ति का मद सहन नहीं कर सका, उन शक्तियों के मद में दूसरों पर अत्याचार भी किए। धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चला हूं तो उसका दंड भी भोगना पड़ेगा, परंतु रावण दंड भी उसी गर्व के साथ भोगेगा जिस दर्प से उसने उस शक्तियों का भोग किया है। बहुत हो चुका ये प्रलाप, मतिमंद तूने रावण की शक्तियों को नहीं पहचाना। हमारा हाथ खड़क की ओर जाता है तो आकाश में लोकपाल भय से कांपने लगते हैं। जिन भुजाओं ने स्वयं कैलाश को उठा लिया था उन भुजाओं के फड़कने मात्र से देवता, गांधर्व और नक्षत्र भी भय से सांस रोक लेते हैं। हम वही जग प्रसिद्ध प्रतापी रावण हैं, जिसके चलने से पृथ्वी इस प्रकार डोलती है जैसे नाव में कोई हाथी सवार हो। उस रावण के सामने तू उस मनुष्य राम की बात करता है? शट, वानरों की सहायता से उसने समुद्र पर सेतु बांध लिया, यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो पक्षी भी लांग लेते हैं, उससे वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। वीर पुरुष जिस मार्ग पर एक बार आगे पग बढ़ा देते हैं फिर उसे पीछे हटाने की बात भी नहीं सोचते, चाहे सामने मृत्यु ही क्यों ना खड़ी हो। वीर उसी को कहते हैं जो मृत्यु से भी नहीं डरे। यदि तुम्हें हमारे यश और कीर्ति की सचमुच चिंता है तो हमें ऐसा कार्य करने को न कहो जिसका फल केवल अपकीर्ति और निंदा ही है। रावण की पत्नी और परमवीर मेघनाथ की माता को ऐसी भीरुता शोभा नहीं देती।